हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आप सबका टारगेट बेथालोक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं कीर्ति भूषण यादव आप लोगों को विज्ञान प्रौद्योगिकी सामान्य विज्ञान ये विषय पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी में हमेशा चर्चित इशू आपको देखने सुनने में आते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि एक रुद्रम फर्स्ट नामक मिसाइल लॉन्च की गई, चर्चा में थी। तो ये मिसाइलें होती क्या हैं? मिसाइलों में जो बम या युद्धास्त्र लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं, जल संहारक अस्त्र किसे कहते हैं, इसकी हम एक चर्चा करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे आज मिसाइल एवं जल संहारक अस्त्र क्या होती है। मिसाइल इससे हम बात करें, मिसाइल को हिंदी में हम प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है, मिसाइल कह लो चाहे हिंदी में प्रक्षेपास्त्र, लेकिन आज हम सामान्य तौर पर प्रक्षेपास्त्र का कम यूज करते हैं, मिसाइल शब्द का ही ज्यादा यूज करते हैं। विज्ञान की टर्मोलॉजी में जो इंग्लिश शब्द है उसी को हिंदी लिपि में लिख देते हैं। मिसाइल, प्रक्षेपास्त्र, अस्त्र और शस्त्र, ये दो शब्द आपने सबने सुने होंगे। अस्त्र और शस्त्र कि अगर आपसे पूछा जाए अंतर बताइए क्या होता अस्त्र और शस्त्र, तो ये आप सब जानते होंगे। इसको विचार करें, आप सब जानते होंगे कि अस्त्र क्या है। अस्त्र वो जिसे चलित अवस्था में फेंक कर या जो हाथ में पकड़ के यूज नहीं किया जाता, चलित अवस्था में यूज किया जाता है वो कहलाता है अस्त्र। जैसे गोली चलाना या तीर, ये सब हो गए अस्त्र। और एक होता है शस्त्र। शस्त्र कैसे कहते हैं? शस्त्र का मतलब होता है जो हाथ में पकड़ के यूज किया जाता है, जैसे तलवार, गदा, ये सब हमारे शस्त्र में आते हैं। तो यहां प्रक्षेप अस्त्र, प्रक्षेप अस्त्र का मतलब क्या है? प्रक्षेप मतलब जो फेंका जा रहा है या जो यूज किया जा रहा है या जो किसी पथ पे जा रहा है, और अस्त्र मतलब जो चलित अवस्था में प्रयोग किया जा सकता है। मिसाइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिसाइल क्या है, यहां से हम शुरू करते हैं। मिसाइल के कितने भाग होते हैं ये शुरू करते हैं। तो मिसाइल क्या है? मिसाइल एक प्रकार का जो अस्त्र है, अस्त्र भी कौन सा? युद्धास्त्र, युद्ध का अस्त्र, उसको ले जाने वाली परिवहन प्रणाली है। प्रक्षेप करना मतलब ले जाना। तो युद्ध का अस्त्र, युद्धास्त्र, हिंदी में उसे युद्धास्त्र, अंग्रेजी में वॉरहेड कहते हैं। युद्धास्त्र को ले जाने वाली परिवहन प्रणाली, परिवहन माने लाने ले जाने, परिवहन प्रणाली मिसाइल कहलाती है। इसके तीन भाग होते हैं मिसाइल, किसी भी मिसाइल के तीन भाग होंगे। एक तो जिस अस्त्र को ले जा रही हो, युद्धास्त्र, और एक जिससे उसको कंट्रोल किया जा रहा है, वो नियंत्रण सिस्टम, और एक जो उसमें ईंधन यूज किया जाता है। भाई वो वाहन एक प्रकार का जो वाहन है तो उसमें कुछ ना कुछ ईंधन होगा, तो ईंधन प्रणाली होगी। तो अगर हम आपसे पूछे प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल क्या होती है, तो युद्धास्त्र, युद्धास्त्र मतलब वॉरहेड, युद्धास्त्र, वॉरहेड, वॉरहेड होती को ले जाने वाली को कहां ले जाएगी, जिस पे हमें वार करना है, जिस पे हमें वार करना है वहां पे। युद्धास्त्र को ले जाने वाली परिवहन प्रणाली, ले जाने वाली परिवहन प्रणाली, परिवहन मतलब जो ले जाए, परिवहन प्रणाली मिसाइल कहलाती है। मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र कहलाती है, मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र कहलाती है। किसी भी चीज को आप अगर समझना चाहते हैं तो उसको रिलेट करके उसके शब्दों के अर्थ के द्वारा समझ सकते हैं। तो सिंपल जो उसका अर्थ है वही उसकी बेस्ट डेफिनेशन है। तो मिसाइल क्या हो गया? प्रक्षेपास्त्र को ले जाने वाली परिवहन प्रणाली, प्रक्षेपास्त्र, युद्धास्त्र जो युद्ध का अस्त्र। तो मिसाइल के तीन भाग होते हैं, एक जो युद्ध का अस्त्र है युद्धास्त्र, एक दूसरा उसको कंट्रोल करने वाली प्रणाली, और तीसरा उसकी ईंधन प्रणाली। तो मिसाइल के अगर हम भाग देखें, कितने भाग हैं मिसाइल के? भाग, मिसाइल के भाग, फिर उसके बाद हम मिसाइल के प्रकार देखेंगे। मिसाइल के भाग, तो अगर हम देखें तो मिसाइल एक प्रकार का रॉकेट का ही रूपांतरण है। रॉकेट आप जानते होंगे, रॉकेट क्या होते हैं? अंतरिक्ष में उपग्रहों को
ले जाने के लिए जो परिवहन प्रणाली यूज की जाती है उसे कहते हैं रॉकेट। तो इस तरीके का अगर हम देखें तो ये रॉकेट का भी रूप होता है, मिसाइल का भी रूप होता है। यहां पर जो ऊपरी वाली भाग है, इस वाले भाग में यूज करते हैं युद्धास्त्र। युद्धास्त्र मतलब युद्ध का अस्त्र, वॉरहेड। तो ये वाले भाग में हो गया युद्धास्त्र, युद्धास्त्र युद्ध का अस्त्र। तो मिसाइल के भाग में पहला हो गया युद्धास्त्र या वॉरहेड, युद्ध का अस्त्र। अस्त्र और शस्त्र भी मैंने बताया, अंग्रेजी में इसको कहेंगे वॉरहेड, युद्धास्त्र। दूसरा, अब इसको मिसाइल आपने चला रहा है, पहले से टारगेटेड होती है मिसाइल किस जगह पे माननी है, उस सबका पहले से निश्चित मात्रा में कितनी दूरी पे कितना अमाउंट में युद्धास्त्र ले जाना सब पहले से प्री कैलकुलेटेड होता है। तो इसको ले जाने के लिए इसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो दूसरा भाग जो इसका होता है उसको कहते हैं मिसाइल नियंत्रण प्रणाली। यहां पे जो हो जाएगा इसको बोलते हैं मिसाइल नियंत्रण प्रणाली। तो इसमें मिसाइल नियंत्रण प्रणाली का भी यूज किया जाता है, मिसाइल नियंत्रण प्रणाली, मिसाइल कंट्रोल सिस्टम, मिसाइल नियंत्रण प्रणाली। अब क्या होता है मिसाइल नियंत्रण प्रणाली, वो भी हम लोग देखेंगे। मिसाइलों से संबंधित क्वेश्चन हमेशा प्री वगैरह में पूछे जाते हैं, मेंस में भी इससे संबंधित आते हैं, किसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ये सब लोग जानते हैं। हु इज नोन एंड मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। अभी सब लोग सोच के रखे किसको मिसाइल वुमेन कहा जाता है, हु इज नोन एज मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, मिसाइल वुमेन। भारत की जो मिसाइल वुमेन है उनका नाम आप कमेंट में लिखिए, अभी मैं बता रहा हूं, उनका नाम है एनी टेसी थॉमस, डॉक्टर श्रीमती एनी टेसी थॉमस, वो मिसाइल वुमेन कहलाती हैं। तो मिसाइल नियंत्रण सिस्टम हो गया। तो दूसरा हम लोग इसमें क्या करेंगे, मिसाइल नियंत्रण सिस्टम, मिसाइल कंट्रोल सिस्टम, मिसाइल नियंत्रण प्रणाली, मिसाइल नियंत्रण प्रणाली, ये दूसरा भाग हो गया, मिसाइल नियंत्रण प्रणाली, मिसाइल कंट्रोल सिस्टम, मिसाइल कंट्रोल सिस्टम। ये आपका मिसाइल कंट्रोल सिस्टम, ये मिसाइल को मार्ग निर्देशित करता है, रास्ता बताता है कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। यहां पे हम लेजर के द्वारा भी मिसाइल को गाइड कर सकते हैं, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो कि सैटेलाइट के द्वारा चलता है, मोबाइल में आपके GPS होगा उसके द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है, GPS गाइडेड मिसाइल होती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकली या रेडार होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, उसके द्वारा भी गाइड किया जा सकता है, बहुत सारे सिस्टम हैं। तो यहां पर तीसरा जो भाग हो जाएगा, अब हम इसकी बात करेंगे, तीसरा भाग क्या है, तीसरा भाग है यहां पर मिसाइल में ईंधन भरा होता है, तो मिसाइल ईंधन प्रणाली या ईंधन प्रणाली कुछ भी कह सकते हैं आप, मिसाइल ईंधन प्रणाली। भाई आप जब ले जा रहे हैं फ्यूल सिस्टम तो उसके लिए फ्यूल जरूरी है, तो तीसरा पार्ट हो गया मिसाइल ईंधन प्रणाली, मिसाइल फ्यूल सिस्टम। तो कौन कौन से मिसाइल में यूज किए जाते हैं फ्यूल ईंधन, मिसाइल ईंधन प्रणाली, मिसाइल फ्यूल सिस्टम, फ्यूल सिस्टम। ये तीन मिसाइल के हमारे भाग हो गए हैं। किसी भी मिसाइल में ये तीन भाग होते हैं, एक तो मिसाइल का युद्धास्त्र, एक मिसाइल का नियंत्रण प्रणाली, यहां से कंट्रोल करते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं युद्धास्त्र, और उसके बाद तीसरा मिसाइल ईंधन। अब ईंधन के तौर पे क्या होता है, युद्धास्त्र के तौर पे क्या होता है, और नियंत्रण प्रणाली कितने प्रकार की हो सकती है, ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं युद्धास्त्र, युद्ध का अस्त्र। युद्धास्त्र किसको कहते हैं, तो युद्ध में जो अस्त्र की प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें कहते हैं युद्धास्त्र। ये सब लोग जानते हैं, कॉमन सेंस का नेम, अस्त्र शस्त्र की परिभाषा बताई मैंने। युद्धास्त्र दो प्रकार के होते हैं। अगर आपकी किसी देश के साथ युद्ध छिड़ गया, लड़ाई छिड़ गया, और आप जब लड़ाई कर रहे हैं तो उसको नष्ट करने के लिए कुछ अस्त्र यूज करेंगे, वो अस्त्र जो है वो तात्कालिक प्रभाव दिखाते हैं, उसी समय उसको जितना विस्फोट करना होगा वो कर देंगे, उन्हें कहते हैं सामान्य अस्त्र, नॉर्मल वेपन्स। और कुछ अस्त्र ऐसे होते हैं जो तात्कालिक के साथ साथ भविष्य तक, दूरकालिक
प्रभाव डालते हैं या मानवता के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, मानवता के लिए हानिकारक हैं, तो उन्हें कहा जाता है जनसंहारक अस्त्र। तो क्या होते हैं जनसंहारक अस्त्र? जनसंहारक अस्त्र वो अस्त्र हैं जो मानवता के लिए हानिकारक होने के कारण इन्हें हमारा जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, एक सभी देशों ने मिलाकर संस्था बनाई है जिस संस्था का काम है कि विश्व में नियमबद्धता को, या जैसे भारत के लिए नियमबद्धता हमारी सरकार स्थापित करती है, तो ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र सभी राष्ट्रों की मिला के एक संस्था है, उसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। तो उस यूएनओ ने प्रतिबंध लगाया हुआ है कि भाई आप कोई भी देश, किसी भी देश से अगर लड़ाई हो तो जिन हथियारों का यूज कर सकते हैं और जिन हथियारों को नहीं यूज कर सकते उसके बारे में सख्त निर्देश यूएन ने जारी किए हैं। तो कौन से हैं वो हैं जिन्हें यूज कर सकते हैं, कौन कौन से वो हैं जिन्हें यूज नहीं कर सकते, उसी आधार पर हम हमारे जो युद्धास्त्र हैं, जो हमारे वॉर हेड हैं, उनको दो भागों में बांटा है। तो युद्धास्त्र हम लोग देखते हैं, युद्धास्त्र क्या हैं जो युद्ध में अस्त्र के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। युद्धास्त्र, वॉर हेड, युद्धास्त्र की हम बात करने जा रहे हैं, वॉर हेड। अस्त्र और शस्त्र सब लोग समझ गए, वो जो चलित अवस्था में प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अस्त्र, जो स्थिर अवस्था में हाथ में पकड़ के प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं शस्त्र। अब मेरा सवाल है कि बताइए, जैसे बंदूक की गोली अस्त्र है, लेकिन भाला क्या है, भाला किस में आएंगे? तो भाला के बारे में आप सब जानते होंगे, तिकोना होता है, तो भाला अस्त्र भी है क्योंकि फेंक के भी यूज किया जा सकता है और शस्त्र भी है, पकड़ के भी उसको मारा जा सकता है। तो अस्त्र और शस्त्र दोनों श्रेणी में, तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं शस्त्र दोनों की श्रेणी में आए। तलवार, तलवार के समय बताइए, तलवार शस्त्र है, तलवार अस्त्र नहीं है, क्योंकि तलवार को आप फेंक के नहीं मार सकते, तलवार को यूज करने के लिए आपको उसको हाथ से पकड़ के ही वार करना होगा। ऐसी गदा, ये सब शस्त्र के प्रणाली में आते हैं। लेकिन मिसाइलें जो हैं, जो युद्धास्त्र, युद्ध के अस्त्र हैं, तो हमारी युद्धास्त्र जो है वो दो प्रकार के हैं। देखें, एक है सामान्य अस्त्र, सामान्य अस्त्र, सामान्य अस्त्र, नॉर्मल वॉर हेड या नॉर्मल वेपन, सामान्य अस्त्र। एक होते हैं जनसंहारक अस्त्र, जनसंहारक अस्त्र, जनसंहारक अस्त्र, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोलते हैं इनको, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन। ये क्या है? शॉर्ट में इनको WMD कहा जाता है, जनसंहारक अस्त्र, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जनसंहारक अस्त्र, जो मानवता के लिए बहुत अधिक हानिकारक हैं, डिस्ट्रक्शन, मानवता के लिए बहुत अधिक हानिकारक हैं और आने वाली पीढ़ियों पे भी प्रभाव रखते हैं, उन सबको जनसंहारक अस्त्र में रखा जाएगा। इनको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, कोई भी देश ना इनको बना सकता है, ना इनको अपने यहां रख सकता है, और प्रयोग तो किया ही नहीं जा सकता। इसके लिए सभी देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर में संधियां की हुई हैं, IR में उन संधियों के बारे में पढ़ाया जाएगा, CTBT, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैन ट्रीटी, नाम सुना होगा, कोई भी देश परमाणु अस्त्र नहीं यूज कर सकता, CTBT, NPT, केमिकल्स प्रोविजन ट्रीटी, केमिकल्स, रासायनिक हथियारों को यूज नहीं किया जा सकता। तो ये जनसंहारक, सामान्य अस्त्र कौन है? वे जो युद्ध क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए इजाजत दी गई है, तो इनको क्या कहेंगे? वे हथियार, वे अस्त्र जिन्हें युद्ध क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए, युद्ध क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए, प्रयोग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
लगाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ सब लोग समझ रहे होंगे, जैसे हर देश की एक अपनी सरकार होती है, ऐसी सभी विश्व की सरकार, डब्ल्यू वर्ल्ड वार फर्स्ट छिड़ा, वर्ल्ड वार सेकंड छिड़ा, जब विश्व युद्ध होने लगे तो सब देशों ने कहा इस तरह से तो मानवता नष्ट हो जाएगी, तो क्यों ना हम लोग सब लोग मिलके एक ऐसी संस्था बनाएं। तो जब अभी आईआर पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन सी संस्थाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन मुखिया है, कौन परमानेंट सदस्य है, वो सब अभी चर्चा की जाएगी संयुक्त राष्ट्र संघ। लेकिन आप इतना समझ रहे होंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जिन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया उन्हें कहते हैं सामान्य अस्त्र, और जिन 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 अस्त्रों पर संयुक्त राष्ट्र संघ शॉर्ट में लिख देते हैं यूएनओ को, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के द्वारा प्रयोग करने पे कौमा संग्रहण इकट्ठा करने पे एवं जिन अस्त्रों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयोग संग्रहण एवं निर्माण के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, प्रतिबंधित है, प्रतिबंध रेस्ट्रिक्टेड है, प्रतिबंध लगाया गया है, जनसंहारक अस्त्र कहलाते हैं, वो कहलाएंगे जनसंहारक अस्त्र। तीन प्रकार के होते हैं जनसंहारक अस्त्र। पहला कौन सा है? परमाणु अस्त्र, नाभिकीय अस्त्र, न्यूक्लियर वेपन्स। दूसरा रासायनिक अस्त्र, केमिकल वेपन्स। और तीसरा जैविक अस्त्र, बायोलॉजिकल वेपन्स। बायोलॉजिकल वेपन्स बहुत ज्यादा चर्चा में, जैविक अस्त्र बहुत अधिक चर्चा में, क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि जो कोरोना वायरस था, बड़ा विवाद है इस पे, COVID-19 जो था वो कोई नेचुरल नहीं है, वो चीन के द्वारा बनाया जा रहा एक जैविक अस्त्र ही था, बायोलॉजिकल वेपन्स ही था। जनसंहारक अस्त्र क्या होते हैं? तो ये वे अस्त्र जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, तीन प्रकार के हैं, उनकी अभी हम बात करते हैं। तो पहले सामान्य अस्त्र की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम जनसंहारक अस्त्र की बात करेंगे। तो सामान्य अस्त्र संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यूज करने के लिए अलाउड किए गए हैं। सामान्य अस्त्र में आ सकते हैं, उदाहरण के लिए इसके उदाहरण क्या होते हैं, RDX, नाम सुना होगा आपने, RDX, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव इसका नाम है। भारत में और ब्रिटेन में इसका नाम RDX है, इटली में इसका नाम T4 है, RDX को ही इटली में T4 कहते हैं, जर्मनी में हेक्सोजेन कहते हैं, यूएस में साइक्लोनाइट कहते हैं, अलग अलग नाम है। इसको जर्मनी के विद्वान ने बनाया था, जर्मनी के विद्वान, इनका नाम था जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग। हमारे यहां इसका नाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव है, RDX, नाम सुना होगा सबने। जैसे जहां पे पहाड़ होते हैं, पहाड़ में पत्थरों को तोड़ने के लिए भी विस्फोट करवाए जाते हैं, उसकी जगह भी RDX का प्रयोग किया जाता है। आतंकवादी लोग कई बार देखते हैं विस्फोट कराने के लिए RDX पकड़ा गया, आपने सुना होगा RDX, वो सब इसी RDX की बात हो रही है। मिसाइलों में सामान्य अस्त्र के तौर पे दुश्मन की सेना को नष्ट करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, दुश्मन की सेना को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में जो हमारा है, अब अगर हम देखें तो एक होता है TNT, ट्राइनाइट्रोटोलबीन, उसका भी प्रयोग किया जाता है, TNG, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, TNP, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, काफी सारी चीजें हैं, लेकिन ये शॉर्ट को फुल फॉर्म के रूप में बदलने के लिए आ सकता है। तो हमें देखना है कौन कौन से हो सकते हैं सामान्य अस्त्र में। सामान्य अस्त्र में एक हमने बात की, सामान्य अस्त्र की बात कर रहे हैं, पहला हो गया RDX, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव। इटली में T4 कहा जाता है, इसका नाम है T4 कहा जाता है, इटली में इसका नाम क्या है? T4। जर्मनी में
हेक्सोजेन कहा जाता है, हेक्सोजेन कहा जाता है यूएस में, अमेरिका, यूएस मतलब अमेरिका, अमेरिका में मेन यही है। साइक्लोनाइट कहा जाता है इसी को, साइक्लोनाइट कहा जाता है अमेरिका में, इसको साइक्लोनाइट कहा जाता है। इसका आविष्कार किसने किया? आविष्कारक हैं, आविष्कारक कौन है? आरडीएक्स की बात चल रही है, आरडीएक्स के आविष्कार हैं जर्मनी के जॉर्ज फ्रेडरिक, कई बार ये क्वेश्चन पीटी में पूछा जाता है, हेनिंग, जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग, इन्होंने 1898 में इसका आविष्कार किया था, लेकिन वर्ल्ड वार सेकंड जो हुई तब इसका पहली बार प्रयोग किया गया। ये सामान्य अस्त्र में होता है, इटली में से T4, जर्मनी में हेक्सोजेन, अमेरिका में साइक्लोनेट और आरडीएक्स, ब्रिटेन में और इंडिया में इसको आरडीएक्स कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन से ही उन्हें इसको यूज किया। तो आरडीएक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, हमारे यहां जो रक्षा के क्षेत्र की शीर्ष संस्था है उसका नाम है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो इसको मिसाइलों में प्रयोग करने के लिए संशोधित करती है और बनाती है। इसका बनाने के लिए, यूज करने के लिए, बेचने के लिए सरकारी लाइसेंस की जरूरत होती है। बिना लाइसेंस के अगर कोई लिख रखा हुआ पाया जाएगा तो आपराधिक में उस क्षेत्र में उसको या आतंकवाद के केस में उसको सजा दी जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट सूचना है, आरडीएक्स हो गया। उसके बाद दूसरा इसी में होता है टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोल्विन, आप सबने नाम सुना होगा ट्राई नाइट्रोटोल्विन, कई सारे पदार्थ हैं, इसकी फुल फॉर्म बस जरूर याद रखें, ट्राई नाइट्रोटोल्विन। टीएनटी को भी विस्फोटक के रूप में मिसाइलों में यूज किया जाता है। इसके बाद एक होता है टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये भी एक पदार्थ है। इसके बाद एक और TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये जो हैं, ये जितने भी विस्फोटक हैं, ये विस्फोटक युद्ध क्षेत्र में एक दूसरे देश के खिलाफ यूज किए जाते हैं, किए जा सकते हैं, इनको कहते हैं सामान्य अस्त्र। इनको यूज करने पर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा उस देश के खिलाफ जो इनको यूज कर रहा है कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन जो जनसंहारक अस्त्र, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये मानवता के खिलाफ, ह्यूमैनिटी के खिलाफ हैं और भविष्य तक आने वाली पीढ़ियों तक इनका प्रभाव होता है मानवता के खिलाफ, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिबंधित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इनको प्रतिबंधित किया गया है, इनका असर आने वाली पीढ़ियों तक भी कर प्रतिबंधित है। ये जनसंहारक अस्त्र हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये तीन प्रकार के हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। एक होता है नाभिकीय अस्त्र प्रकार, ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट चीज है नाभिकीय अस्त्र। इन्हें जनसंहारक अस्त्र को तीन भागों में बांटा गया है, नाभिकीय अस्त्र, न्यूक्लियर वेपन्स, नाभिकीय अस्त्र। क्या होते हैं नाभिकीय अस्त्र, उसकी अभी बात करने जा रहे हैं। दूसरा जो होता है रासायनिक अस्त्र, केमिकल वेपन्स। तीसरा जो होता है जैविक अस्त्र, बायोलॉजिकल वेपन। ये बायो एकदम समसामायिक है, इसको अगर आप चर्चा कर लेंगे तो ये आपको जैविक अस्त्र बायोलॉजिकल वेपन।
नाभिक की अस्त्र क्या होता है, तो पहले तो सबको नाभिक के बारे में पता हो जाना चाहिए, न्यूक्लियस क्या होता है, ये अगर आपको पता होगा तो नाभिकीय अस्त्रों के बारे में भी पता चल जाएगा क्या होता है नाभिक। पहले जरा हम ये समझे नाभिक क्या है। अगर हम नाभिक की बात करना चाह रहे हैं न्यूक्लियस, तो पहले हमें परमाणु के बारे में पता चलना चाहिए, परमाणु क्या होता है। तो नाभिक और परमाणु सब लोग जानते हैं, सिक्स से समझाया जाता है, लेकिन फिर भी एक इसको रिवाइज करें, परमाणु क्या है, एटम क्या है, नाभिक क्या है। तो हर पदार्थ कोई भी पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ जिसे छुआ जा सके, जो छुआ जा सके उसे कहते हैं पदार्थ, जो छुआ जा सके और अवस्था परिवर्तन का विरोध करे। इसका मतलब क्या है अवस्था परिवर्तन का विरोध करे, मतलब उसे उठाओगे, ये पदार्थ है तो हम इसको उठाएंगे तो उठेगा नहीं, इसी वजह से इसमें वजन है, ये नीचे की ओर जाना चाहता है, अगर इसको छोड़ दोगे तो दोबारा उसी अवस्था में पहुंच जाएगा। तो कोई भी पदार्थ, संसार का कोई भी पदार्थ है, पदार्थ की यही परिभाषा है कि जिसे हम छू सके या महसूस कर सके, छुआ या महसूस किया जा सके, ये भी समझ लो छुआ जा सके, और जो अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रहा हो और जिसमें द्रव्यमान हो, वो थोड़ी फिजिक्स की परिभाषा हो गई, सामान्य में जिसे छुआ जा सके या महसूस किया जा सके और जो अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रहा है उसे कहते हैं पदार्थ, इंग्लिश में मैटर। कोई भी चीज संसार में है वो मैटर से बनी हुई है, सोना चांदी या पानी हवा, ये सब पदार्थ के अंदर हैं। पदार्थ को अगर हम और छोटे भाग में बांटे, पदार्थ का छोटा से छोटा भाग जो हम देख सकते हैं उसे कहा जाता है कण, पदार्थ का कण, पार्टिकल कण कहते हैं। पदार्थ किससे मिलके बना होता है, कणों से, पार्टिकल से, और पार्टिकल किससे मिलके बने रहते हैं, अणु से। ये सब जानते होंगे मॉलिक्यूल, और अणु किससे मिलके बने होते हैं, परमाणु से, परमाणु एटम, ये यही परमाणु है। तो परमाणु क्या हो गया, परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा भाग जो आंखों से नहीं दिखता ना स्वतंत्र रहता है परंतु रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है उसे कहा जाता है परमाणु। पदार्थ का सबसे छोटा भाग हमें आंखों से नहीं दिखता है परंतु रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता। अब यहां पे एक शब्द और आ गया, रासायनिक क्रियाएं। क्या होती है रासायनिक क्रियाएं, सब जानते हैं, सिक्स्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा, ध्यान करने की कोशिश कीजिए कि वो क्रियाएं जिनमें पदार्थ एक अवस्था, क्रिया माने अवस्था बदल जाना, वे क्रियाएं जिनमें पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाए परंतु पहली अवस्था में वापस ना आ सके उन्हें कहते हैं रासायनिक क्रियाएं। और वे क्रियाएं जिनमें पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाए और दोबारा पहली अवस्था में वापस आ सके उन्हें कहते हैं भौतिक क्रियाएं, फिजिकल रिएक्शंस। तो दो तरह की क्रियाएं हो रही है पदार्थों में, एक भौतिक क्रियाएं, एक रासायनिक क्रियाएं। अब अगर आप उदाहरण से समझ रहे हैं तो और आसानी से समझ में आ जाएगा, बर्फ का पिघलना, पानी बन गया बर्फ पिघल के, दोबारा उसको अगर आप टेम्परेचर कम करते रहोगे दोबारा बर्फ बन जाएगी, ये हो गई भौतिक क्रिया है जो रिवर्सिबल होती है, दोबारा उस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता। चौक का पीसा जाना, चौक पीस दिया तो कैसी, चौक पीस दिया बिल्कुल उसका चौक का बुरादा बन गया, उसको पानी डाला दोबारा चौक बना सकते हैं, भौतिक क्रिया। लेकिन वो क्रियाएं जिनमें पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाए दोबारा पहली अवस्था में ना लौट सके उसे कहा जाता है रासायनिक क्रिया, जैसे दूध का दही बनना। तो यहां पर परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग होता, पदार्थ का सबसे छोटा भाग जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। सबसे छोटा भाग है परमाणु। इस परमाणु के अंदर पाया जाता है नाभिक। परमाणु के दो भाग होते हैं, उसको एक बाहर वाला भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और एक अंदर वाला भाग जिसे नाभिक कहते हैं, उस नाभिक के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये बंधे हुए हैं, इसी नाभिक को अगर हम तोड़ लें
तो जब भी किसी चीज को तोड़ेंगे तो बहुत ऊर्जा पैदा होगी, इस ऊर्जा को कहते नाभिकी ऊर्जा। और इस नाभिकी ऊर्जा का प्रयोग करते हुए जब हम अस्त्र बनाते हैं तो उसे कहा जाता है नाभिकी अस्त्र। तो क्या हो गया नाभिकी अस्त्र? परमाणु के प्रयोग से, परमाणु के टूटने से या परमाणु के प्रयोग से जो अस्त्र बनाए जाएं, तो क्या है नाभिक? जरा हम देखें, ये सब लोग जानते हैं नाभिक क्या है। ये परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है? नाभिक। ये नाभिक है। नाभिक में क्या होते हैं? नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर धनावेश और न्यूट्रॉन पर आवेश रहित। ये प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन कोई आवेश नहीं। और इस नाभिक के बाहर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इन पर कौन सा आवेश रहता है? ऋण आवेश। तो धन और ऋण मिलके एक दूसरे को बराबर किए रहते हैं और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं। तो यह परमाणु स्थाई होता है। अगर इस परमाणु को हम तोड़े किसी विधि से, तोड़ेंगे कैसे? जब न्यूट्रॉन की वर्षा करेंगे या जोड़ दें तो इससे ऊर्जा पैदा होगी। उस ऊर्जा को हम नाभिकी विखंडन ऊर्जा या नाभिकी संलयन ऊर्जा कहते हैं। और उस ऊर्जा से जब हम बम बनाते हैं तो एटम बम कहते हैं या हाइड्रोजन बम कहते हैं। सूर्य पे ऊर्जा जो पैदा हो रही है वो नाभिकी संलयन या नाभिकी विखंडन के द्वारा पैदा हो रही है। तो केमिस्ट्री में इन्हें और डिटेल में पढ़ा जाएगा। यहां पर आपको हम ये जो नाभिकी अस्त्र है वो कहां से बन रहे हैं? परमाणु के टूटने से या नाभिक के टूटने से बन रहे हैं। और इनको किसी भी देश के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अलाउड नहीं किया है। जैसे एटम बम की आप बात जानते हो, एटम बम नाम सुना होगा, हाइड्रोजन बम नाम सुना होगा, न्यूट्रॉन बम नाम सुना होगा। तो ये नाभिकी अस्त्र हैं। तीन प्रकार के नाभिकी अस्त्र होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। नाभिकी अस्त्र के तीन प्रकार हैं। एक का नाम है एटम बम या परमाणु बम, एटम बम। दूसरे का नाम है हाइड्रोजन बम, ये भी सबने नाम सुना होगा। और तीसरे का नाम है न्यूट्रॉन बम। न्यूट्रॉन बम, एटम बम, परमाणु बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम और तीसरा न्यूट्रॉन बम। न्यूट्रॉन एटम बम जो होता है वो नाभिकी विखंडन पर आधारित होता है। जो हाइड्रोजन बम होता है ये नाभिकी संलयन पर आधारित होता है। अब नाभिकी विखंडन क्या है? किसी भारी नाभिक को न्यूट्रॉनों की वर्षा के द्वारा तोड़ देना। विखंडन माने तोड़ देना और संलयन माने जोड़ देना, हल्के नाभिकों को जोड़ देना। सूर्य पर ऊर्जा, अगर आपसे पूछिए बताइए सूर्य पर ऊर्जा कैसे पैदा हो रही है, तो सूर्य पर ऊर्जा हल्के नाभिक है हाइड्रोजन, उनके संलयन से हीलियम जो बनता है उससे ऊर्जा पैदा हो रही है। बहुत सारा हाइड्रोजन है, बहुत सारा। वो हाइड्रोजन के परमाणु बहुत अधिक तापमान पर आपस में मिलते रहते हैं और मिलने की वजह से ऊर्जा पैदा होती है, जिससे हमारे जो ग्रह हैं वो चमक रहे हैं और पृथ्वी को रोशनी प्राप्त हो रही है। कभी भी ग्रहों का खुद प्रकाश नहीं होता, तारों का खुद का प्रकाश होता है। जैसे हमारा सूर्य तारा है, वो प्रकाश कहां से आता है? क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। वो प्रकाश आता है नाभिकी संलयन से। संलयन माने जुड़ना। तो एटम बम किस पर आधारित है? नाभिकी विखंडन पर आधारित। नाभिकी, नाभिकीय विखंडन पर आधारित। विखंडन माने टूटना, ध्यान रखना, नाभिक का टूटना। आधारित कौन सा नाभिक होता है? अभी इसका हम आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, अलग से टेक्नोलॉजी में बताया जाएगा। कैसे यूरेनियम का नाभिक, यूरेनियम 92-236, यूरेनियम 92-238, यूरेनियम 92-235, ये कई यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। एक जैसे परमाणु क्रमांक परंतु अलग अलग परमाणु भार वाले पदार्थ समस्थानिक कहलाते हैं। तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकी संलयन आधारित, संलयन आधारित। और ये जो है ये न्यूट्रॉन बम विकिरण पर आधारित है। विकिरण, रेडिएशन बेस, विकिरण आधारित। इससे रेडिएशन निकलते हैं। विखंडन को फिजन कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन। संलयन को फ्यूजन कहते हैं।
और विकिरण को रेडिएशन कहा जाता, रेडिएशन बेस्ड नाभिकीय को न्यूक्लियर कहा जाता है, न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर फिजन। तो नाभिकीय विखंडन किसी भारी नाभिक का, यूरेनियम जैसे, यूरेनियम का नाम सुना होगा, यूरेनियम खनिज पदार्थ है, दो या दो से अधिक भागों में टूटने पर जो ऊर्जा पैदा होती है उसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन ऊर्जा। और एटम बम इसी सिद्धांत पर आधारित होता है, अगर एक एटम बम फोड़ दिया जाए, अगर 100 ग्राम यूरेनियम का भी, तो पूरा पाकिस्तान स्वाहा हो सकता है। और इसी वजह से जो पांचों महाशक्ति हैं उन्होंने आपस में मिलके, विश्व की पांच महाशक्ति उन्होंने आपस में मिलके एक संधि बनाई, CTBT, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैन ट्रीटी, कि कोई भी देश अपने यहां एटम बम बनाने की, प्रयोग करने की कोशिश नहीं करेगा, ना उसके लिए यूरेनियम संवर्धित करी, यूनियन हासिल करेगा। नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम पर आधारित, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, इसमें हल्के परमाणु मिलकर भारी परमाणु का निर्माण करते हैं। सूर्य पर ऊर्जा इसी विधि से पैदा हो रही है, और हमारे पास ये दोनों है, भारत के पास नाभिकीय विखंडन वाला एटम बम भी है, भारत के पास हाइड्रोजन बम भी है। ये विकिरण वाला हम लोगों के पास नहीं है, विकिरण वाले में सिर्फ रेज निकलती हैं, गर्मी पैदा नहीं होती। इससे नाभिकीय विखंडन में बहुत सारी रेज निकलती हैं, गर्मी पैदा होती हैं, तो पीढ़ियों पे प्रभाव पड़ता है, प्लस आने वाली पीढ़ियों पे भी नुकसान पड़ता है, आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित कर देते हैं, वो विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। जैसे हिरोशिमा नागासाकी का नाम सबने सुना होगा, हिरोशिमा नागासाकी जापान के दो शहर थे, यहां पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, उस परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन की वजह से जो किरणें इत्यादि निकली उनकी वजह से आज तक वहां पे विकलांग संतानें पैदा हो रही हैं, विकलांग संतानें पैदा हो रही हैं, ध्यान रखिए। तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित, तो इसलिए इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिबंधित कर दिया है। इसके बाद हाइड्रोजन बम, ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है, इसे भी प्रतिबंधित किया है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन बम इतनी ऊर्जा पैदा होगी जितनी सूर्य पे ऊर्जा पैदा हो रही, तो पूरी पृथ्वी तबाह होने की संभावना हो जाएगी। सूर्य पर ऊर्जा किस विधि से पैदा होती है? नाभिकीय संलयन विधि से। और विकिरण में क्या होता है? सिर्फ तरंगे तरंगे निकलती हैं, जो बिल्डिंग इत्यादि है वो सब नुकसान नहीं होती है, जो सजीव जीव जंतु हैं और मनुष्य है वो सब मृत हो जाएंगे। ये विकिरण बम है, विकिरण आधारित बम है। तो ये हमारे नाभिकीय अस्त्र हो गए। जब हम परमाणु का प्रयोग करते हुए उसके नाभिक से ऊर्जा पैदा करें, या उसके नाभिक से निकलने वाली किरणों को हम हथियार के रूप में प्रयोग करें, तो उसे कहा जाता है नाभिकीय अस्त्र। तीन प्रकार के हैं, एटम बम, हाइड्रोजन बम और न्यूट्रॉन बम। इन तीनों पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि ये मानवता के और आने वाली पीढ़ियों के खिलाफ है, तो पूरी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर सकते हैं। ये हमारे हो गए नाभिकीय अस्त्र। नाभिकीय अस्त्र पे प्रतिबंध लगा हुआ है, इसको नाभिकीय टेक्नोलॉजी में और आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट, रासायनिक अस्त्र। रासायनिक अस्त्र क्या है? ये आपको समझ में आ जा रहा होगा कि जब हम विभिन्न रासायनिक पदार्थों का, केमिस्ट्री में जो पदार्थ हम यूज करते हैं, उनका हम यूज करें हथियार के रूप में, तो उसको कहा जाता है रासायनिक अस्त्र। जैसे जैसे क्या है, जैसे कोई गैस है, गैस बनाई लेबोरेटरी में, उस गैस को अगर आपने सैनिकों के ऊपर या किसी देश में छोड़ दिया तो कहलाएगा रासायनिक अस्त्र। जैसे एक गैस है मस्टर्ड गैस, नाम सुना होगा आप सबने, मस्टर्ड गैस होती है, इसे कुवैत वार में, कुवैत एक देश है, वहां पर एक लड़ाई हुई थी इराक की और कुवैत की, उसमें इराक का एक डिक्टेटर था, नाम सुना होगा आपने, सद्दाम हुसैन, उसने यूज किया था, और ये फफोले गिरा देती है। तो जब हम रासायनिक पदार्थों को हथियार के रूप में यूज करते हैं तो कहलाते हैं रासायनिक अस्त्र, केमिकल वेपन्स। इनकी भी संधि है, इनके बारे में भी पूछा जाता है। तो रासायनिक अस्त्र मेनली तीन प्रकार के होते हैं, इनको भी ध्यान से सुनेंगे। एक का नाम होता है ब्लिस्टर एजेंट, ब्लिस्टर, ब्लिस्टर एजेंट। एक का नाम होता है पल्मोनरी एजेंट, पल्मोनरी एजेंट, एजेंट माने प्रभाव करने वाला। और दूसरे का, तीसरे का नाम होता है नर्व एजेंट, नर्व एजेंट। पल्मोनरी एजेंट,
और तीसरे का नाम है ब्लिस्टर एजेंट। ब्लिस्टर एजेंट, ब्लिस्टर माने क्या होता है? फफोले पड़ जाना। ब्लिस्टर माने क्या होता है? फफोले, ब्लिस्टर्स। अगर कोई गैस किसी पे डाल दी जाए और शरीर में उसके फफोले हो जाएं तो उसे कहा जाता है, जैसे क्लोरोफॉर्म, अगर जैसे अगर आप किसी को ऊपर एसिड डाल दिया जाए, क्लोरोफॉर्म डालेंगे तो बेहोश हो जाएगा, एसिड डाल देंगे तो फफोले पड़ जाएंगे, घाव हो जाएंगे, तो उसको कहा जाता है। तो ब्लिस्टर एजेंट फफोले पड़ जाते हैं। वे रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनसे जिनसे शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं, फफोले, ब्लिस्टर बोलते हैं कि नहीं, फफोले पड़ जाते हैं, अगर उनको हम हथियार के तौर पर यूज कर दे, भाई किसी देश ने ले गया उस मिसाइल में उसको सिलेंडर भरा हुआ था, लगाया हुआ था, और दुश्मन के ऊपर ले जाके वो छोड़ दिया, तो कहलाएगा ब्लिस्टर एजेंट। जैसे एसिड की वर्षा अगर कोई कर दे, एसिड वर्षा कर दे, एसिड का छिड़काव कर दे दुश्मन के ऊपर, तो फफोले पड़ जाएंगे। इसके बाद एक गैस है इराक के द्वारा कुवैत वार में यूज की गई थी, मस्टर्ड के गैस, मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड बोलते हैं सरसों को, उस गैस की महक सरसों के तेल की तरह होती है, इसलिए उसका नाम रखा है मस्टर्ड गैस। इराक द्वारा प्रयोग की गई थी, इराक द्वारा कुवैत पर प्रयोग, कुवैत एक देश है, कुवैत पर प्रयोग। ये हो गए ब्लिस्टर एजेंट। अब पल्मोनरी एजेंट किसे कहते हैं? वैसे पल्मोनरी क्या होती है? पल्मोनरी हमारी श्वास से संबंधित सिरा और धवनी होती है। पल्मोनरी, हम जब सांस लेते हैं तो सांस नाक के द्वारा जाती है फेफड़ों में, और फेफड़ों से ये सांस जाती है ब्लड में, ब्लड में जाने से पहले ये पहले जाती हृदय में, तो फेफड़ों से हृदय तक सांस को ले जाने के लिए एक नली पाई जाती है, हृदय तक ले जाती है, उसको कहते हैं पल्मोनरी सिरा, और फिर वो हृदय से पूरे शरीर में चली जाती है। शरीर में जो पूरे ले जा रही हैं उन हृदय से, उनको कहते हैं धमनियां, पूरे शरीर में, शरीर से हर एक अंग ने ऑक्सीजन ले ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा पहुंचती है हृदय में, और हृदय से ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा फेफड़े में आती है, और फेफड़े के द्वारा हम इसको बाहर निकालते हैं। तो फेफड़े तक दोबारा लाना है, हृदय से हृदय तक ले जाना है ऑक्सीजन को, और हृदय से लाना है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जो ऑक्सीजन को हृदय तक ले जाती है उसको कहते हैं पल्मोनरी सिरा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड को हृदय से फेफड़ों तक लाती है उसको कहा जाता है पल्मोनरी धमनी। तो ये पल्मोनरी मतलब जो फेफड़े और हृदय को जोड़ रही है, फेफड़े और हृदय को क्यों जोड़ रही है? जिससे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन हो सके। तो मतलब श्वास जिससे चल रही है, तो वे पदार्थ जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं, श्वसन तंत्र को प्रभावित कर देंगे, दम घुट जाएगा या हम बेहोश हो जाएंगे। तो श्वसन तंत्र को जो रासायनिक पदार्थ प्रभावित करते हैं श्वसन तंत्र को, तो उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा पल्मोनरी एजेंट, श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाले रासायनिक पदार्थ श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। श्वसन माने जो हम सांस लेके ऑक्सीजन ले जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाले रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ अगर हम दुश्मन के ऊपर छोड़ दें, रासायनिक पदार्थ सांस के द्वारा हमारे शरीर में चले जाएंगे। जैसे किसी को क्लोरोफॉर्म सुना दे तो सूंघ के वो बेहोश हो जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म क्या है? एक प्रकार का पल्मोनरी एजेंट। ऐसे एक गैस है फास्जीन गैस, वो भी एक प्रकार की। तो इसके उदाहरण क्या हो गए पल्मोनरी के? एक क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म नाम सुना होगा सबने, बेहोश हो जाता है इससे, क्लोरोफॉर्म, और एक दूसरी गैस हो गई, उस गैस का नाम है फास्जीन गैस। इसके बाद नर्व एजेंट, या नर्व एजेंट क्या होते हैं? नर्व सबने सुना होगा, नर्व माने नर्वस सिस्टम,
नर्व माने क्या होता है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो तंत्रिका हिंदी होती है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या है, हमारे सोचने विचारने का जो तंत्र है मस्तिष्क। जैसे अब मैंने आपको कोई बात कही तो आप इस बात को सुन के कान से सुन रहा है, सुन कान से सुनने के बाद ये बात पहुंचाई जा रही मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में पहुंचने के बाद बहुत सारी बातों से उस बात का मिलान कराया जा रहा है, और मिलान करने के बाद जब वो समझ जा रही है तो मस्तिष्क ऑर्डर दे रहा हाथ को कि भैया इस बात को लिख लो, और आप लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को पूरे को ही कहा जाता है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तो अगर कोई ऐसा पदार्थ है जो इस नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर दे तो वो कोमा में चला जाएगा, किसी काम का नहीं, मस्तिष्क मृत्यु हो जाएगी, वो किसी काम का भी नहीं हो जाएगा। कोमा नाम सबने सुना होगा, कोमा में चले जाते हैं लोग बाग अगर चोट लग जाए मस्तिष्क, तो मस्तिष्क और शरीर के जो क्रिया प्रतिक्रिया वाला तंत्र है उसको कहते हैं नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम को जो पदार्थ प्रभावित करे उसे कहा जाएगा नर्व एजेंट। क्या कहा जाएगा, नर्व एजेंट। तो नर्व एजेंट वे रासायनिक पदार्थ जो नर्वस रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करें, जो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र बायो में आप पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करके, प्रभावित करें, नष्ट कर दें, प्रभावित करें, नर्व एजेंट कहलाते हैं। जैसे आपने सुना होगा सीरिया ने अपने विद्रोहियों पर एक गैस का प्रयोग किया था, उसका नाम था सरीन गैस। क्या नाम था, सरीन गैस। तो इसका उदाहरण क्या हो गया, इसका उदाहरण हो गया सरीन गैस। यूपी में एक बार पूछा गया सरीन गैस, सीरिया द्वारा प्रयोग की गई। तो ये नर्व एजेंट हो गई। ये अगर कोई देश प्रयोग कर रहा है, प्रयोग छोड़िए इसको अगर बना रहा है, बनाना जोड़िए, अगर किसी से लेने के लिए संधि कर रहा है, कुछ टेक्निक ले रहा है, तो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रतिबंधित है। अब सवाल ये उठता है संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिबंध करके कर क्या लेगा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने नियम बना रखे हैं, अगर कोई देश उस पे नियम का उल्लंघन करता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो देश हैं उन्होंने आपसी सहमति, जो स्थायी सदस्य हैं, सेना के द्वारा उस पर आक्रमण भी करवाया जा सकता है, आक्रमण भी करवाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो मजबूत देश हैं पांच स्थायी सदस्य, उनमें अमेरिका भी है। वो अमेरिका ने एक गठबंधन बनाया है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ के पांच सदस्य कौन कौन हैं, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के पांच स्थायी सदस्य हैं। ये पांच लोगों की सहमति होनी बहुत जरूरी है। अगर इन पांच और बाकी अस्थायी सदस्य भी होते हैं आपको पढ़ाया जाएगा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी व्यवस्था को बना के रखता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ही इकाई आपने बहुत नाम सुना होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने जब ये कोरोना महामारी आई थी तो कोरोना महामारी के समय इसने ये घोषणा की थी कि कब वैश्विक आपदा है, ये नियम दिए हुए हैं जिससे कि महामारी को कंट्रोल किया जा सके। तो ये आपके हो गए संयुक्त राष्ट्र संघ से द्वारा रासायनिक अस्त्र। इसके बाद एक और बहुत चर्चा में है जैविक अस्त्र, बायोलॉजिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन्स। ये क्या होते हैं, जैविक अस्त्र क्या है, तो जैविक शब्द जानते हैं, जैविक शब्द से मतलब है सजीवों को जब हम शस्त्र के रूप में यूज करें, तो सजीव कौन है, हम सब सजीव हैं, तो हमें नहीं यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि मानव बम बना के रख दिया वो जैविक अस्त्र नहीं, कई लोग सोचेंगे ह्यूमन बम बना दिया वो जैविक, मानव भी सजीव नहीं, वो नहीं, वो तो एक हथियार के तौर पर यूज कर रहे हैं वो धड़ा डराने धमकाने के लिए, वो जैविक अस्त्र नहीं है। जैविक अस्त्र क्या है, अगर हम सजीव, कौन सजीव, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, कवक इत्यादि जो बीमारी फैलाते हैं,
इनको ये दिखाई नहीं देते, इनको अगर हम हथियार के रूप में यूज कर दें, बीमारी फैलाने वाले वायरस बैक्टीरिया अगर किसी देश के द्वारा किसी देश के ब्लड बैंक में ले जाके यहां पर एड्स के वायरस डाल दिए जाएं, या कोई भी जैसे ऐसा कहा जा रहा था कि इराक के द्वारा एंथ्रेक्स के वायरस भेजे जाएंगे पूरे विश्व में, जब सद्दाम हुसैन के ऊपर अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया तो उससे पहले यही कहा जा रहा था कि इराक ने बायोलॉजिकल वेपन्स बनाया है। अभी जो चर्चा में है बायोलॉजिकल वेपन्स इसलिए चर्चा में है कि जो हमारा चाइना है, चाइना से ये वायरस कैसे आया, तो कुछ लोगों का मानना है, अभी देखो सरमानी रिपोर्ट नहीं है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कई देश ऐसा कह रहे हैं, अमेरिका भी ऐसा बोल चुका है, कई देश कह रहे हैं कि हम चीन के द्वारा ये एक बायोलॉजिकल, क्योंकि इस नया प्रकार का वायरस है कोरोना COVID-19 जो वायरस है एक नया प्रकार का वायरस है, इससे पहले नहीं देखा गया, इसलिए COVID-19 का जो पहले तो इलाज बहुत मुश्किल है, वायरस का इलाज बहुत मुश्किल है, टीका भी बनाने में देरी आ रही है और एक महामारी की तरह फैल रहा है, तो ये जो ऐसा माना जा रहा है कि चीन के द्वारा बायोलॉजिकल वेपन बनाया जा रहा था और कहीं किसी प्रकार से त्रुटिवश वो बायोलॉजिकल वेपन्स चीन के द्वारा ही उसी के जो लैब में काम करने वाले एम्प्लॉइज थे या किसी पे वो परीक्षण कर रहे होंगे उसके माध्यम से फैल गया, एक आदमी से फैला हुआ ये पूरे विश्व में फैल गया और आज देख रहे हैं इसकी कितनी तबाही मची हुई है और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सब चरमरा गई हैं। तो ये जो है ये जैविक अस्त्र के तौर पर भी यूज किए जा सकते हैं वायरस इत्यादि, कोई देश अपने यहां वायरस संभाल के रख ले और किसी देश की मिसाइल देके उस देश में महामारियां फैलाएं तो फिर वो क्या कहलाएगा। तो जब सूक्ष्म जीव सब लोग समझते होंगे, छोटे जीव जो सूक्ष्म जीवों माइक्रो, जैसे बैक्टीरिया जानते होंगे, जीवाणु, कवक, फंगस या वायरस, विषाणु, वायरस सब लोग इत्यादि बीमारी फैलाने वाले कारक माने जो चीज यूज की जाए, कारकों का प्रयोग अस्त्र के रूप में किया जाए किया जाए तो बीमारी फैल जाएगी, तो ये एकदम मानवता के खिलाफ है भाई, ये नहीं कर सकते, इसमें क्या है बच्चे महिलाएं सभी लोगों को, तो ये मानवता के खिलाफ है। तो कहा गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कि नहीं, ऐसा कोई भी देश नहीं करेगा, ना इसको संग्रहित करके रखेगा, ना इसका यूज करेगा, बाई चांस अगर कोई कर रहा है तो विश्व से छिपे रूप में भले ही कर सकता, जैसे एटम बम पे प्रतिबंध लगाया हुआ है लेकिन उत्तरी कोरिया एटम बम का बीच बीच में परीक्षण करता रहता है और इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने उत्तरी कोरिया को एक प्रकार से उस सूची प्रतिबंध लगा दिए कई प्रकार के, तो अब करने को तो कोई कर दे, जैसे अपराध नियम घोषित कर दिए लेकिन कई अपराधी होते हैं उनके ऊपर करते रहते हैं, तो जिस पे कंट्रोल कर सकती है सरकार कंट्रोल कर लेती है, नहीं कर पाती तो नहीं। तो ऐसे कहा जाता चीन ने भी ये बनाने का प्रयोग किया था, चीन इस दावे को नकार रहा भाई, वो नकारे जैसे जो अपराध करेगा चोरी करेगा वो नकारेगा भैया मैंने चोरी नहीं की, क्योंकि फिर वो पकड़ में आ जाएगा पूरे विश्व, फिर उसको सजा हो जाएगी, तो ऐसे चीन भी नकार रहा है कि नहीं ये सब अफवाह है, हम कोई बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं बना रहे थे, ये एक वायरस आ गया, हाँ हमारे देश में पहले पहचाना गया इसलिए तुम लोग कह रहे हो कि हम लोग बना रहे थे, लेकिन अब वो भविष्य के गर्त में है। ये जो वेपन होते हैं जैविक अस्त्र ये दो प्रकार के होते हैं, एक वे जैविक अस्त्र जिनका रोग तो हो जाता है लेकिन किसी प्रकार से इलाज संभव है तो महामारी नहीं फैल पाती क्योंकि उनका इलाज खो लिया, तो इन्हें कहते हैं टॉक्सिक जैविक अस्त्र। और एक होते हैं जिनका इलाज संभव नहीं है, वो महामारी फैला के ही रहेंगे, उन्हें कहा जाता पैथोजन जैविक अस्त्र टॉक्सिक
बायोलॉजिकल वेपन और पैथोजन बायोलॉजिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन वेपन तो टॉक्सिक में है वे जिनका इलाज संभव है, वे जिनका इलाज संभव है या जिनका इलाज खोज लिया गया है उन्हें कहा जाता है टॉक्सिक। जैसे टीबी का हुआ, किसी ने फैलाया टीबी का इलाज संभव है, टीबी हो गया, सामान्य फ्लू हो गया, ट्यूब टीबी माने ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम, उदाहरण टीबी ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम, टीबी के बैक्टीरिया, सामान्य सर्दी जुखाम के बैक्टीरिया, सर्दी जुखाम के वायरस, तो इनका इलाज संभव है। टीबी का भी इलाज सूर्या, पोलियो का भी इलाज संभव है, तो जब इनका यूज किया जाए तो ये क्या कहलाते हैं? टॉक्सिक। और वे जिनका इलाज संभव नहीं है, वे जिनका इलाज संभव नहीं है, वे जिनका इलाज संभव नहीं है, जिनका इलाज संभव नहीं है, उदाहरण उदाहरण और जो महामारी फैला सकते हैं, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसमें आते हैं एंथ्रेक्स का वायरस। वायरस के अधिकतर ऐसे ही होते हैं, एंथ्रेक्स का वायरस, एचआईवी वायरस, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स रोग है, एंथ्रेक्स वायरस, एचआईवी, एचआईवी एड्स जिससे होता है, एचआईवी एंथ्रेक्स वायरस, एंथ्रेक्स वायरस। वायरस सब लोग जानते होंगे, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। ये पूरी तरह सजीव भी नहीं होते क्योंकि इनमें कोशिका नहीं पाई जाती, निर्जीव भी नहीं होते क्योंकि ये प्रजनन कर सकते हैं, अपने जैसी संतान पैदा कर सकते हैं, किसी सजीव कोशिका में जाके ये अपने रूप को बढ़ा सकते हैं, इसलिए ना तो निर्जीव है ना सजीव, इसलिए इन्हें बीच की कड़ी कहा जाता है। और यही कारण है कि वायरसों का इलाज ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, एंथ्रेक्स वायरस, एड्स के वायरस या एचआईवी वायरस, एड्स का एचआईवी वायरस। अब एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और एचआईवी की ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इम्यूनो, इम्यूनो माने प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता को कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता, आदमी की रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाए तो उसे कहा जाता है इम्यूनिटी समाप्त हो गई, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब जो किसी से मिलता है, अपने आप नहीं बनता है, जैसे कोरोना या कोविड 19 भी किसी से मिलता है, तो ये भी किसी से मिलता है और कर क्या देता है, हमारी इम्यूनो मतलब हो गया है हमारी प्रतिरोधक, प्रतिरोधक मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता को नष्ट कर देता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को जो नष्ट कर दे, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का वायरस का नाम क्या है, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एड्स का जो वायरस है या अभी कोविड 19, इसका भी इलाज नहीं ढूंढा है, तो ये सब हमारे क्या आ जाएंगे, बायोलॉजिकल वेपन में आ जाएंगे, और कौन से, टॉक्सिक या पैथोजन, ये सब कहलाएंगे पैथोजन बायोलॉजिकल वेपन्स। तो ये आपके जनसंहारक अस्त्रों की बात हुई, इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विभिन्न संधियों की द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, संधियों को आप संयुक्त राष्ट्र, जब आप पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में तो पढ़ाया जाएगा इसमें CTBT कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैन ट्रेटी जो परमाणु अस्त्रों पर प्रतिबंध लगाती है, NPT न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रेटी जो नाभिकीय अस्त्रों पर प्रतिबंध लगाती है, केमिकल वेपन्स प्रोविजन ड्यूटी, प्रोविजन मतलब रोकना, केमिकल वेपन्स को रोकने की संधि है, ऐसी बायोलॉजिकल वेपन्स को रोकने की संधि है, इन पे सभी देशों ने सिग्नेचर किए गए हैं कि अगर आप इस चीज को बनाते हुए यूज करते हुए पाए गए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आपके ऊपर हमला कर दिया जाएगा या आप पे जुर्माना किया जाएगा, तो कोई भी देश इन पे यूज नहीं कर सकता, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संधि, यूज जिनका कर सकता है उन्हें कहते हैं सामान्य अस्त्र, और
सामान्य अस्त्र में बताया मेन जो सबसे ज्यादा है आरडीएक्स टीएनटी टीएनपी ये सारी चीज मिसाइलों की हम बात कर रहे हैं। मिसाइलों में युद्धास्त्र हो गए। अब नेक्स्ट मिसाइल नियंत्रण प्रणाली। मिसाइल नियंत्रण प्रणाली मिसाइल नियंत्रित की जाती है नियंत्रण प्रणाली मिसाइल कंट्रोल सिस्टम। मिसाइल नियंत्रण प्रणाली मिसाइल को किसी रेज के द्वारा किरण के द्वारा किसी भी लाइट की रेज या लेजर के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो लेजर आप सब जानते हो लेजर का नाम सुना होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टीमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन फुल फॉर्म होती है उसकी लेजर। अभी जब आप प्रकाश पढ़ेंगे तो लेजर कैसे बनाया जाता है बताएं तो लेजर जहां जहां उसको डायरेक्शन करेगी वहां वहां जाएगी नहीं तो उसमें लगे रहते सैन। तो पहला हो गया लेजर आधारित। लेजर आधारित हो सकता है लेजर एल ए एस सी आर लेजर आधारित नियंत्रण प्रणाली। लेजर आधारित नियंत्रण प्रणाली नियंत्रण प्रणाली लेजर की फुल फॉर्म सब लोग जानते होंगे लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टीमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सबने सुना होगा फिजिक्स में फिर भी इसको लिखें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट लाइट एम्प्लीफिकेशन एम्प्लीफिकेशन बाय स्टीमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टीमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन हमारी एक मिसाइल है उसका नाम है लाहट। लाहट मिसाइल वो इसी प्रकार पे चलती है लाहट मिसाइल। लाहट लेजर पे आधारित है लाहट मिसाइल। इसके बाद दूसरी जो होती है हमारी रेडार से चल सकती है रेडार आधारित रेडार रेडार बोलते हैं रेडार रही या इसी को इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली प्रणाली इलेक्ट्रॉनिकली भी बोलते हैं रेडार को। इसका उदाहरण है आकाश मिसाइल। अभी इस मिसाइलों के बारे में पढ़ेंगे पृथ्वी की भारत की मिसाइल है भारत की कई मिसाइलें हैं। भारत की पांच मिसाइलों का आपने नाम सुना होगा पांच पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग और आकाश। आकाश इनको अगर हम कोड देना चाहें तो इनका कहते हैं पटना पटना पी फॉर पृथ्वी ए फॉर अग्नि टी फॉर त्रिशूल एन फॉर नाग ए फॉर आकाश। ये नाग ये आकाश और ये त्रिशूल त्रिशूल और ये अग्नि अग्नि मिसाइल आप सबने सुनी होगी ये पृथ्वी मिसाइल। तो भारत की पांच प्रमुख मिसाइलें आप पटना याद रखेंगे तो याद हो जाएंगी पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग और आकाश। किसने बनाया हु इज नोन एज मिसाइल वुमेन ऑफ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अभी मैंने बताया था एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने इन पांच मिसाइलों को बनाने की परियोजना की थी इसलिए उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। किसे कहा जाता है मिसाइल वुमेन तो श्रीमती डॉक्टर एनी टेसी थॉमस। उसने भारत की पहली अंतर महाद्वीपीय अंतर महाद्वीपीय का मतलब होता है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने वाली जैसे एशिया से अगर कोई यूरोप तक चली जाए अफ्रीका तक चली जाए अमेरिका तक चली जाए अंतर माने एक दूसरे महाद्वीप इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। भारत की पहली अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है नाम है अग्नि पांच उनको उन्होंने बनाई है उनका नाम है डॉक्टर एनी टेसी थॉमस। उन्हें कहा जाता मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। ऐसी एक है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया रॉकेट मैन नाम सुना होगा रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। तो किसका नाम है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया तो हमारे एक जो इस समय इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करता इसरो
आई इंडियन एस स्पेस आर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके चीफ हैं के सिवन। क्या नाम है? के सिवन। उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इस भारत का रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। तो इस तरह की कई चीजें हैं, ये आपको आएगा। जैसे चर्चा में है वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, ट्री मैन ऑफ इंडिया, ट्री मैन ऑफ इंडिया विष्णु लावा है, एक विष्णु लावा, उन्हें ट्री मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो बहुत सारे हैं, इंफॉर्मेशन मैन ऑफ इंडिया सैम पित्रोदा, आइस मैन ऑफ इंडिया आइस मैन चेवांग नॉरफेल, बहुत सारे चेवांग नॉरफेल आइस मैन ऑफ इंडिया, भारत का बर्फ मानव कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें रडार पे आधारित मिसाइल जो है आकाश, इन पांच मिसाइलों का भाग है। रडार की फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये रडार की फुल फॉर्म है। कई बार पूछा जाता है रडार, रडार क्या है? जैसे रडार एक खंबे नुमा चीज पर लगा रहता है ऐसा, और इससे रेडियो तरंगें निकलती हैं और हवाई जहाज इत्यादि को, मिसाइल इत्यादि को रास्ता दिखाता है, रेडियो तरंगें इससे परावर्तित होती हैं। तो जो हमारे हवाई जहाज चल रहे हैं उन सबको पहले रास्ता दिखाता था, या किसी को मार निर्देशित करना है या सीमा पे चौकसी करनी है तो रडार लगा। तो मिसाइल को चलाने के लिए भी रडार का प्रयोग किया जाता है, रडार से चलने वाली मिसाइलों को कहते हैं रडार कंट्रोल्ड मिसाइल। उदाहरण का नाम है आकाश मिसाइल। अब ये तो हो गई ज्यादा रेंज नहीं, रडार की रेंज होगी 300-400 किलोमीटर। अगर बहुत ज्यादा जैसे 5000 किलोमीटर की मिसाइल है तब रडार से नहीं चल पाएगी, तब वो मिसाइल चलेगी किससे? अंतरिक्ष में बने हुए सैटेलाइट। सैटेलाइट से जब कोई मिसाइल चलती है तो उसको कहते हैं जीपीएस गाइडेड सिस्टम वाली मिसाइल, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो तीसरी होती है जीपीएस ग्लोबल पोजिशन, या इसी को बोलते हैं सैटेलाइट नियंत्रण प्रणाली, सैटेलाइट नियंत्रण प्रणाली, सैटेलाइट से चलती है। उदाहरण कौन सी है? उदाहरण हमारी जो अग्नि मिसाइल है, अग्नि मिसाइल। तो ये कंट्रोल सिस्टम अलग अलग होते हैं, मिसाइलों में लगे रहते हैं। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये हमारी जीपीएस की फुल फॉर्म है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो क्लियर हो गया होगा आपको, ये हमारी नियंत्रण प्रणालियां हैं। भारत की कौन कौन सी मेन जो रॉ मिसाइल हैं वो जब आप पढ़ेंगे तो और डिटेल में इसको आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट मिसाइल नियंत्रण प्रणाली हो गई। इसके बाद हमारी मिसाइल ईंधन प्रणाली, मिसाइल में कौन सा ईंधन यूज किया जाता है? मिसाइल फ्यूल सिस्टम। क्या है मिसाइल ईंधन प्रणाली? मिसाइल में जो यूज किए, तो मिसाइल और रॉकेट दो चीजों में अंतर जरा समझिए। दोनों में जो मूलभूत अंतर है वो किस चीज को ले जा रहे हैं उस पर आधारित है। जैसे ट्रेन, एक होती सवारी ट्रेन, एक होती है मालवाहक ट्रेन, दोनों ही ट्रेन है। तो इसमें भी यही अंतर है, दोनों ही रॉकेट हैं, बस अंतर है रॉकेट में जो ओरिजिनल है, रॉकेट में हम सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजते हैं, सैटेलाइट ले जाते हैं। ट्रेन का मतलब सामान्य, जब हम ट्रेन शब्द लेंगे तो यही लगेगा सवारी ट्रेन। तो चाहे हम सैटेलाइट का रॉकेट बोल दें या रॉकेट अकेले बोल दें तो उसी से समझ आएगा। लेकिन अगर वैसा रॉकेट जो बम को ले जाए, युद्धास्त्र को ले जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा मिसाइल। तो मालवाहक ट्रेन बोलना है हमें, तो हम उसको मालवाहक ट्रेन शब्द लगाएंगे तभी बोल पाएंगे। तो यहां पर वही है, तो जो रॉकेट में ईंधन होते हैं वही ईंधन होते हैं, मिसाइल के ईंधन भी यही होते हैं जो रॉकेट के ईंधन होते हैं। मिसाइल के ईंधनों को प्रणोदक या प्रोपेलेंट भी कहते हैं, मिसाइल ईंधन प्रणाली को प्रणोदक भी कहा जाता है, प्रणोदक या प्रोपेलेंट भी कहा जाता है, प्रोपेलेंट प्रणोद जो कर रहे हैं। मेनली जो प्रणोदक होते हैं वो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, या तो ठोस या द्रव। गैस प्रणोदकों का यूज नहीं किया जाता क्योंकि गैस में विस्फोट ज्यादा हो सकता है और गैस को रखने के लिए सिलेंडर ले जाना पड़ता है, वजन काफी बढ़ा देगा। तो सामान्यतः जो होते हैं, सामान्यतः
ठोस या द्रव प्रणोदक होते हैं, तो ठोस सॉलिड या द्रव लिक्विड जो रॉकेट के ईंधन होते हैं सेम होते हैं, सॉलिड जो प्रणोदक है उसका नाम है। अब प्रणोदक लगाना है तो विशेष ईंधन होगा, यानी हर किसी ईंधन का यूज कर दें, तो सॉलिड के रूप में होता है HTPB, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड नेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। इसको याद करना, कई बार पूछा गया है। द्रव में दो होते हैं, एक सामान्य द्रव और एक को बोलते हैं क्रायोजेनिक। तो सामान्य द्रव ईंधन और क्रायोजेनिक ईंधन। सामान्य क्या है दोनों की खासियत ध्यान, सामान्य में सामान्य पदार्थ होता है उसका नाम है UDMH प्लस N2O4। अनसिमेट्रिकल फुल फॉर्म इसकी याद रखेंगे, अनसिमेट्रिकल रॉकेट वाले हैं डाई मिथाइल हाइड्राजीन विषैला होता है हाइड्राजीन, प्लस नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। और क्रायोजेनिक में क्या होते हैं, क्रायो माने ध्यान रखना, क्रायो मींस वेरी वेरी लो टेम्परेचर, बहुत बहुत कम तापमान, बहुत कम कितना, -150 से भी जब कम तापमान हो तो उसको कहा जाता है क्रायोजेनिक तापमान, -150 पे। तो संसार का सबसे अच्छा ईंधन क्या है पता चला, संसार का सबसे अच्छा ईंधन है हाइड्रोजन गैस। सबसे सबसे ताकतवर बम कौन सा, हाइड्रोजन बम, क्योंकि उसमें सूर्य पे ऊर्जा किससे पैदा होती, हाइड्रोजन ऊर्जा पैदा होती है हाइड्रोजन बम की तकनीक पे, नाभिकीय संलयन विधि से। तो हाइड्रोजन ऊर्जा संसार की सबसे अच्छी ऊर्जा, लेकिन ज्यादा अच्छी होने के कारण हाइड्रोजन एक गैस है, सामान्य तापमान पर गैस है, उसे हम गैस रूप में यूज नहीं कर सकते, तो क्या करें, द्रव में बदलना। तो जैसे ठोस होता है, अगर आप ठोस को गर्म करें तो किस में बदल जाता है, द्रव में। ठोस को गर्म करने पे ठोस किस में बदल जाते हैं, द्रव में, और द्रव को गर्म करने पे किस में बदल जाते हैं, गैस में। और उल्टा करा जाए, अगर गैस को ठंडा करें तो द्रव में, और द्रव को ठंडा करें तो किस में, ठोस में। तो यहां पे हाइड्रोजन सामान्य तापमान पर, मतलब कमरे के तापमान पर जो हम देख रहे हैं ये तापमान पर 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गैस रूप में पाई जाती है, लेकिन गैस विस्फोटक हो सकती है। तो इसको क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को द्रव रूप में बदल लेते हैं। तो द्रव रूप में कितने तापमान पर बदलती हाइड्रोजन, द्रव हाइड्रोजन जो प्राप्त होती है, द्रव हाइड्रोजन वो प्राप्त होती है -253 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्रायोजेनिक इंजन में क्या यूज किया जाता है, द्रव हाइड्रोजन कितने तापमान पर, -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर, प्लस और द्रव ऑक्सीजन भी होता है। द्रव ऑक्सीजन कितने तापमान पर यूज होगा, तो द्रव ऑक्सीजन होता -183 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत कम तापमान है, इसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए जो इंजन यूज किया जाएगा उसका नाम होता क्रायोजेनिक इंजन। और जो अंतर महाद्वीपीय मिसाइल होती हैं, बहुत दूर की रेंज की मिसाइल होती है, मान लो 10,000 किलोमीटर की मिसाइल बनानी है, 20,000 किलोमीटर की मिसाइल बनानी है, तब उस मिसाइल में इनका यूज किया जाएगा। सामान्यतः जो सस्ती कम रेंज की मिसाइल है यही यूज की जाएंगी, मीडियम रेंज की ये यूज की जाएंगी, बहुत ज्यादा दूर की है तब ये यूज की जाएंगी। तो ये मिसाइल के बारे में आप समझ गए होंगे, मिसाइल क्या है, मिसाइल वो है जो युद्धास्त्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके दुश्मन को नष्ट कर देती है। प्रक्षेपास्त्र बहुत पुराने समय से यूज किए जाते रहे हैं, प्रक्षेपास्त्रों का उपयोग रामायण और महाभारत की युद्ध में भी हुआ था, आग्नेय अस्त्र नाम सुना होगा आपने,
बहुत पुराने ऐसे ही प्रक्षेपास्त्र में जो हमने अभी बताए थे कि बायोलॉजिकल वेपन्स, ये पुराने समय से यूज किए जा रहे हैं, केमिकल वेपन्स, ये भी यूज कर, वर्षा हो रही है, वर्षा, तो वर्षा के लिए जो यूज किए जाते हैं सिल्वर आयोडाइड, वो क्या वो पदार्थ होता होगा, सिल्वर आयोडाइड भेज देते होंगे ऊपर से, वर्षा हो जाती है, तो उसको वर्षा बम बोल दिया। इस तरह के पौराणिक आख्यान है, उनको ना हम गलत सहला सकते हैं ना हम उनको से, विज्ञान कभी भी किसी चीज को ना तो गलत ठहराता ना एकदम उस पर अड़ जाता है सही हुआ होगा। ऐसी बीमारियां फैलाने वाले भी होते थे, बायोलॉजिकल वेपन्स भी होते थे। यहां पर अगर हम देखें तो टीपू सुल्तान ने भारत में मिसाइलों का प्रयोग विस्तृत रूप से, लिखित रूप में हमें इसका साक्ष्य मिलता है। ये जो मिसाइलें हैं आजकल हम लोग यूज करते हैं, मिसाइलों को यूज करने कि जो आज मिसाइल हैं, तो दो प्रकार की मिसाइलें हैं, मिसाइल जो हम यूज कर रहे हैं। तो मिसाइलों के प्रकार अगर हम देखें, मिसाइलों के प्रकार अगर हम देखें तो दो मेन प्रकार की मिसाइलें होती हैं। एक को बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल और एक को बोलते हैं क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल अंतर क्या है? बहुत आसान है, इसमें कोई विज्ञान नहीं है, इसको सामान्य अगर आप कंटिन्यूस रूप से सुन रहे हैं तो हर चीज आपकी रिलेटेड है। विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ये विज्ञान की परिभाषा है। तो विशिष्ट मतलब जो चीज बताई जा रही है उसे सुने ध्यान से, क्रमबद्ध मतलब एक दूसरे से जोड़कर बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको हर चीज समझ में आ जाए। तो मिसाइल समझा, मिसाइल के बाद बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? तो अगर आप किसी चीज को फेंको, नेचुरल पत्थर फेंका जाए, ऐसे अगर पत्थर फेंका जाए तो पत्थर ऐसा जाएगा, नेचुरल पाथ होता है, क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण चीज को खींचता है, नहीं यहां से चलेंगे तो पहले इस, लेकिन अगर आपको ऐसा भेजना है तो स्पेशल प्रयास करना पड़ेगा, सीधा ऐसा भेजना पड़ेगा या ऐसे भेजना पड़ेगा। ये जो पथ है, दूसरा वाला पथ, इसको बोलते हैं समांतर पथ। ये विशेष प्रयास से भेजे जाएंगे, इसको बोलते हैं नेचुरल पथ या परवलयाकार पथ। परवलयाकार पथ, पैराबोलिक पाथ, ये पैरेलल या हॉरिजेंटल पाथ। ये जो पथ है इसमें आप काफी दूर की मिसाइलें बना सकते हैं। ये जो पथ है इसमें बहुत ज्यादा दूर की नहीं लेकिन बहुत स्पीड की मिसाइलें बना सकते हैं। दोनों मिसाइलें, ये पैराबोलिक पथ है, ये नेचुरल पथ होता है। नेचुरल मतलब किसी भी पत्थर को आप ऐसे फेंकेंगे ऊपर से नीचे तो ये इसी आधार पर जाएगा, तो नेचुरल होने की वजह से ये काफी ऊंचाई पे भी जाता है और इसे हम नीचे से कंट्रोल भी कर सकते हैं, कंट्रोल्ड। तो ये जो पथ है इस पे अगर आप मिसाइल भेज रहे हैं तो कंट्रोल होगी, लेकिन अगर इस पथ पे मिसाइल भेज रहे हैं तो कंट्रोल नहीं होगी क्योंकि वो उसी बहुत तेज स्पीड से जाएंगी। इसलिए इन मिसाइल, अगर इस पथ पे मिसाइल जा रही है समांतर पथ पे, तो उसको दागने के बाद लौटाया नहीं जा सकता, इसलिए इस पथ पे चलने वाली मिसाइलों को बोलते हैं दागो और भूल जाओ मिसाइल, और इस पथ पे चलने वाली मिसाइलों को बोलते हैं गाइडेड मिसाइलें। ये बहुत दूर तक जाती हैं, तो दूर तक जाने की वजह से दुश्मन के रेडार, और ऊंचाई तक जाती हैं तो दुश्मन के रेडार की पकड़ में आ जाती हैं, और ये बहुत नीचे जमीन के समांतर चलती हैं तो रेडार के पकड़ में नहीं आती हैं। रेडार पकड़ नहीं पाएगा तो दुश्मन इन मिसाइलों के खिलाफ तोड़ नहीं बना पाएगा इन मिसाइल समांतर पथ में। लेकिन ये परवलयाकार पथ पे अगर कोई मिसाइल आ रही है तो दुश्मन चाहे तो उस मिसाइल को बीच में भी नष्ट कर सकता है, और ऐसी मिसाइलें जो परवलयाकार को बीच में नष्ट कर दे उन्हें एंटी मिसाइल या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। तो परवलयाकार, परवलय और समांतर पथ, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वे मिसाइलें जो
परवलयाकार पथ पर आगे बढ़ती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती हैं, और बे मिसाइलें जो समांतर पथ पे आगे बढ़ती हैं, क्रूज मिसाइलें कहलाती हैं। परिभाषा पहली, तुम्हें परिभाषा, परवलयाकार पथ पे बढ़े तो कौन सी हैं? पैराबोलिक पथ पे तो बैलिस्टिक मिसाइल, समांतर पथ पे तो कौन सी है? क्रूज मिसाइल। किसको कंट्रोल किया जा सकता है परवलयाकार पथ पे? तो इन्हें कहते हैं गाइडेड मिसाइल, और इन्हें छोड़ने के बाद कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें कहते हैं दागो और भूल जाओ मिसाइल, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। दोनों की अपनी अपनी खासियत है, तो जरा देखें। तो परिभाषा यही हो गई कि बे मिसाइलें जो परवलयाकार पथ पर आगे बढ़ती हैं बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती हैं। परवलयाकार पथ पर आगे बढ़ती है, कौन सा पथ है? परवलयाकार, परवलयाकार पथ। परिभाषा यही है, इसमें कौन सा पथ होता है? समांतर पथ, पैरेलल पथ, समांतर पथ, ये समांतर। परिभाषा यही हो गई, बे मिसाइलें जो समांतर पथ पे आगे बढ़ती हैं क्या कहलाती है? क्रूज मिसाइलें। बे मिसाइलें जो परवलयाकार पथ पर आगे बढ़ती हैं क्या कहलाती हैं? बैलिस्टिक मिसाइलें। परवलयाकार पथ पर आगे बढ़ने वाली मिसाइलें, मेन यही है। अब इन मिसाइलों का नेचुरल पाथ है, तो इन्हें दागने के बाद कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए इन्हें गाइडेड कहते हैं। इन्हें छोड़ने के बाद, इन्हें दागने या छोड़ने के बाद, इन्हें दागने के बाद, दागने के बाद नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, एक रेंज तक ही किया जा सकता है, गाइडेड भी कहते हैं, गाइडेड मिसाइल कहते हैं। भाई गाइडेड ने गाइड किया जा रहा है, कंट्रोल्ड मिसाइल किया जा रहा है, गाइडेड मिसाइल गाइड किया जा रहा है। इनको क्या है, इन्हें दागने के बाद नियंत्रित नहीं किया जा सकता इन्हें, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? इन्हें कहा जाएगा, इन्हें दागने के बाद नियंत्रित नहीं किया जा सकता, नियंत्रित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता तो क्या कहेंगे? दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहते हैं। फायर माने दागो, एंड फॉरगेट मतलब भूल जाओ। दागो और भूल जाओ मिसाइल कहते हैं, दागो और भूल जाओ मिसाइल। तो पूछा जाए दागो और भूल जाओ मिसाइल कौन सी हैं? तो दागो और भूल जाओ मिसाइल हैं क्रूज मिसाइल। गाइडेड मिसाइल कौन सी हैं? बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये काफी ऊपरी रेंज तक जा रही हैं, तो ये दुश्मन के रडार की पकड़ में आ सकती हैं, और इनकी एंटी मिसाइल बनाई जा सकती हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बनाई जा सकती है। ये दुश्मन के रडार की पकड़ में आ जाती हैं, दुश्मन के रडार की पकड़ में आ जाती हैं, आ सकती हैं, अगर रडार। और ये जो मिसाइल हैं, ये दुश्मन नीचे चल रही हैं काफी जमीन पे की संभाली, ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आती। पकड़ में नहीं आती दुश्मन की रेड, लेकिन बहुत ज्यादा दूर तक इन्हें नहीं छोड़ा जा सकता। ये बहुत गति बहुत होती है इनकी, स्पीड बहुत अधिक होती है, और इनकी रेंज परास बहुत अधिक होता है, ये बहुत अधिक परास वाली होती है, बहुत अधिक रेंज, रेंज मतलब होती है दूरी, परास बोलते हैं दूरी कितनी हो सकती है, और ये बहुत अधिक स्पीड वाली हो सकती है, अधिक स्पीड, स्पीड बहुत होती
हो सकती है। ज्यादा स्पीड पूछा जाए क्रूज की होगी कि बैलिस्टिक की होगी, तो क्रूज मिसाइल की। दोबारा सुने तो वे मिसाइलें जो छोड़ने के बाद परवलयाकार पथ पर चलती हैं और इसलिए उन्हें नियंत्रित भी किया जा सकता है, उन्हें कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। और वे मिसाइल जो समांतर पथ पर आगे बढ़ती हैं इसलिए उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्योंकि आर्टिफिशियल पाथ है, उन्हें कहते हैं दागो और भूल जाओ मिसाइल, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। ये जो मिसाइलें हैं बहुत अधिक रेंज की होती हैं और ये अधिक बहुत स्पीड की आती है। तो जिस आधार पे हैं तो रेंज के आधार पर बैलिस्टिक मिसाइलों को चार भागों में बांटा। बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रकार, बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रकार जरा देखें तो बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रकार, बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रकार पहला है SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। शॉर्ट रेंज का यहां मतलब है 1000 किलोमीटर तक रेंज, 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता। तो अगर 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है तो वो क्या कहलाएगी, तो कहलाएगी SRBM। हमारी एक मिसाइल है उदाहरण पृथ्वी मिसाइल। अभी मैंने 5 मिसाइलों की बात की थी, पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग और आकाश, ये भारत की 5 मिसाइल है। जैसे भारत ने पृथ्वी बनाई, हमारा DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत के लिए रक्षा के लिए जो भी सामान है वो भारत में बनाता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसने इसके अंतर्गत थे हमारे APJ अब्दुल कलाम, भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं श्री APJ अब्दुल कलाम, उनके अंदर में 5 मिसाइलें बनाई थी, पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग और आकाश, पटना नाम से जानते। तो भारत ने बनाई पृथ्वी, तो पाकिस्तान भारत का हमेशा प्रतिद्वंदी रहता है, पाकिस्तान तुरंत गया चीन के पास कि भैया हमें भी मिसाइल बनानी है, तो चीन ने उसे एक मिसाइल दे दिया स्थायी तौर पर भारत की पृथ्वी मिसाइल के खिलाफ। पृथ्वीराज चौहान को, भारत के पृथ्वीराज चौहान को हराया था मोहम्मद गौरी ने, तो पाकिस्तान ने उस मिसाइल का नाम रख दिया गौरी मिसाइल। हमने बनाई अग्नि मिसाइल, पाकिस्तान फिर चीन से एक मिसाइल लाया, उसका नाम उसने रख दिया गजनी मिसाइल। तो भारत की दो सबसे प्रमुख मिसाइल हैं पृथ्वी और अग्नि, और पाकिस्तान की, एक बार पूछा गया है, पाकिस्तान की दो प्रमुख मिसाइल हैं गौरी और गजनी। भारत पाकिस्तान में ऐसे चलता रहता है। तो ये जो हमारी पृथ्वी है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। किसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, वो मिसाइल जिसकी मारक क्षमता कितनी हो, 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता हो, 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता। अब इसके बाद शॉर्ट रेंज के बाद आ जाए मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। मारक क्षमता इसकी होती है 1000 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक, 3000। तो भारत की एक मिसाइल है अग्नि सेकंड। अग्नि के 5 रूप है, अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड, अग्नि थर्ड, अग्नि फोर्थ, अग्नि फाइव। तो अग्नि सेकंड मिसाइल की मारक क्षमता 2000 से ज्यादा है, इसी में आती है मीडियम रेंज। तीसरा हो गया IRBM इंटरमीडिएट रेंज, इनके बीच में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसमें जो मारक क्षमता है वो 3000 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक रहती है, 5000 किलोमीटर तक की मिसाइल, 5000 किलोमीटर तक
उदाहरण इसका क्या हो गया, इसका उदाहरण है हमारी अग्नि तीन है, अग्नि तीन, और इसी के साथ एक और है अग्नि चार। उसके बाद चौथी मिसाइल है ICBM, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये जो हमारी मिसाइल है ICBM, ये 5000 किलोमीटर से भी अधिक मार करती है, अधिक मारक क्षमता। उदाहरण क्या है, उदाहरण है अग्नि पांच। भारत ने एक मिसाइल बना ली है, उसका नाम है अग्नि पांच। हमने बताया था, मैंने अभी बताया था कि भारत की मिसाइल वुमेन किसको कहा जाता है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है, तो हमारी जो एनी टेसी थॉमस हैं उन्हीं को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्हीं ने जो मिसाइल बनाई है, कौन सी मिसाइल, अग्नि पांच मिसाइल, इसीलिए उन्हें मिसाइल वुमेन का दर्जा दिया गया है। तो ये कुछ चीजें हैं। अब इसके बाद ये बैलिस्टिक मिसाइल, इसके बाद क्रूज मिसाइलें भी, हमारी क्रूज मिसाइलें भी अलग अलग प्रकार की हैं। क्रूज मिसाइलें मेन तीन प्रकार की हैं। मिसाइल जब बहुत अधिक रफ्तार की हो, तो उस रफ्तार, अधिक रफ्तार वाली मिसाइल को कहते हैं क्रूज मिसाइल। बहुत अधिक जब रफ्तार होती है, तो रफ्तार मिसाइलों की रफ्तार को या बहुत अधिक रफ्तार को मैक संख्या के द्वारा डिनोट करते हैं। बहुत अधिक स्पीड अर्थात जब स्पीड की तुलना ध्वनि की स्पीड से करें, ध्वनि की स्पीड कितनी होती है 332 मीटर पर सेकंड से करें, तो मैक संख्या प्राप्त होती है। मतलब क्या है, अगर किसी से कह जाए हम इस मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार के बराबर है, तो हम कह देंगे भैया इसकी एक मैक है रफ्तार, ध्वनि की रफ्तार से दुगनी है तो कह देंगे दो मैक है, ध्वनि की रफ्तार से तीन गुनी है तो तीन मैक है। तो जब बहुत तेज विमान चलते हैं या मिसाइल उठती है, तो उनकी रफ्तार को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, मैक संख्या के द्वारा। मैक संख्या क्या होती है, मैक संख्या जब हम किसी पिंड की रफ्तार में ध्वनि की चाल से भाग दे दें, तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है, मैक संख्या। तो मैक संख्या बराबर क्या हो गया, अगर आपको मैक संख्या निकालना हो, पिंड कोई भी हो सकता है, मिसाइल या विमान की चाल बटे ध्वनि की चाल। तो अगर हम कहें ध्वनि की चाल कितनी है 332 मीटर, तो अगर मैक संख्या एक मैक है तो पिंड की चाल बटे ध्वनि की चाल कितनी होती है 332 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम कहें उसकी चाल 332 मतलब एक मैक का मतलब क्या हो जाएगा, पिंड तीन ध्वनि की चाल है तो अगर एक मैक हो जाएगा तो एक मैक कब आएगा, देखो जरा, जब ये पिंड की चाल भी कितनी हो जाए 332 तभी एक मैक आएगा। अगर एक मैक 332 अगर होगा तभी एक आएगा। तो ये जो मैक संख्या है ये ध्वनि की चाल को बताती है। तो मैक संख्या कब आएगी, जब 332 मीटर रफ्तार हो। दो मैक संख्या कब आएगी, तो एक मैक का मतलब क्या हो गया, अगर आपसे पूछा जाए एक मैक का मतलब क्या हो गया 332, दो मैक का क्या मतलब हो गया 664, दुगनी की रफ्तार का दोगुना, तीन मैक का क्या मतलब हो गया ध्वनि की रफ्तार का तीन गुना, चार मैक का क्या हो गया ध्वनि की रफ्तार का चार गुना। ध्वनि की रफ्तार, हम जो आवाज बोल रहे हैं ये रफ्तार, इसकी आवाज की रफ्तार, ध्वनि की चाल कितनी होती है हवा में 332 मीटर पर सेकंड। तो कोई विमान जब ध्वनि की चाल से उड़ रहा हो तो उसे कहते हैं मैक चाल या सोनिक चाल, सोनिक साउंड से बना है सोनिक।
तो अगर कोई मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से कम जा रही है तो सबसोनिक, ध्वनि की रफ्तार से ज्यादा जा रही तो सुपरसोनिक, बहुत ज्यादा जा रही तो हाइपरसोनिक। और सोनिक का मतलब क्या हो गया, जिसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार के बराबर हो। तो अक्रूज मिसाइलों की हम रफ्तार को किसमें नापते हैं अगर पूछा जाए तो बहुत अधिक स्पीड अर्थात जब स्पीड की तुलना ध्वनि की स्पीड से करें तो मैक संख्या प्राप्त होता है। बहुत अधिक स्पीड को हम किससे प्राप्त करते हैं, मैक संख्या के रूप में। मैक संख्या बराबर क्या होता है, पिंड या मिसाइल की चाल बटे ध्वनि की चाल। एक मैक बराबर क्या हो जाता है 332, दो मैक मीटर पर सेकेंड, दो मैक बराबर क्या होगा 662 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो अब अगर हम देखें क्रूज मिसाइल कितने प्रकार की हैं, तो क्रूज मिसाइलों के तीन प्रकार होते हैं। क्रूज मिसाइल के प्रकार की अगर हम बात करें तो मेन है तीन प्रकार, अभी मैंने बताया। एक बोलते हैं सबसोनिक क्रूज, एक होता सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और एक होता हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सबसोनिक सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, मिसाइल की रफ्तार चाल एक मैक से कम हो तो ऐसी मिसाइल क्या कहलाएगी, सबसोनिक क्रूज मिसाइल। चाल के आधार पर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसे कहेंगे, मिसाइल की रफ्तार एक से ज्यादा परंतु पांच से कम हो। इसका उदाहरण है हमारी एक निर्भय मिसाइल भारत बना रहा है। निर्भय मिसाइल नाम है, मिसाइलों के नाम है। सुपरसोनिक क्या है, मिसाइल की चाल एक मैक से लेकर पांच मैक तक हो, पांच मैक से ज्यादा नहीं होनी, पांच मैक तक, बस पांच मैक से कम ही हो, पांच मैक तक। उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है भारत और रूस ने एक मिसाइल बनाई है, उसका नाम है ब्रह्मोस। भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मस्कोवा, दोनों के नाम को मिलाकर बनाई है, उसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल, ध्यान रखना। तो ब्रह्मोस मिसाइल हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 2.8 मैक की रफ्तार उसकी, इसलिए सुपरसोनिक हो गई। और इस हाइपरसोनिक क्या है, मिसाइल की रफ्तार कितने से ज्यादा हो, मिसाइल की चाल पांच मैक या इससे अधिक हो, पांच मैक या अधिक हो। उदाहरण क्या है, उदाहरण हम लोग एक और मिसाइल बना रहे हैं, उसका नाम है ब्रह्मोस MK2। क्या एक मिसाइल बना रहे हैं, स्वप्न मिसाइल, ये भी बन रही है स्वप्न, तो ये मिसाइल कहलाएंगी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो भारत की मिसाइल प्रणालियां हैं, भारत की मिसाइल प्रणालियों को हमने बात किया। इसे कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के APJ अब्दुल कलाम, श्री APJ अब्दुल कलाम, कलाम साहब को हमें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का, मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है, एनी टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन, उन्होंने भारत के चीताओं के संरक्षण के लिए चलाया था टाइगर प्रोजेक्ट, कैलाश सांखला नाम है, जोधपुर के रहने वाले हैं, उन्हें कहा जाता टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इस तरह की चीजें आप रिलेट जब भी पढ़िए तो इस तरह की चीजें रिलेट करके चाहिए, हम लोग इसी रिलेट करा के पढ़ाएंगे हर चीज। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कैसे कहा जाता है, यह भी बहुत फेमस है, बर्ड मैन, भारतीय चिड़ियाओं के
बारे में प्रकाशन किया था डॉक्टर सलीम अली ने, इसलिए उन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता, भारत का बर्डमैन ऑफ इंडिया। तो ये कुछ बात थी जो हम लोग कर रहे थे मिसाइल के बारे में। अब भारत के जो मिसाइल मैन हैं, उन मिसाइल मैनों के द्वारा 5 मिसाइलों का जो प्रोग्राम चला था IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेक्स्ट क्लास में फिर इसके बाद भारत के चारों तरफ, सीमाओं के चारों तरफ ऐसी मिसाइलों का जाल बिछा हुआ है जो कि दुश्मन देश की मिसाइलों को जो आ रही हैं बीच रास्ते में ही नष्ट कर देंगी। उन मिसाइलों को कहते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। उनकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।